Good morning, students. Today we are going to start 9th lesson of 5th class general series for the Hindi medium students. Hindi medium students के लिए 5th class के 9वां lesson हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है In the Service of Nation, मतलब देश की सेवा के लिए. लाल बहादुर शास्त्री, commonly called Babuji within his family. जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके परिवार में उनको बाबूजी के नाम से बोला जाता था. Was known as for his simplicity. उनको जाना जाता था उनकी सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब उनकी सादगी के लिए. ऑनेस्टी के लिए, मतलब उनकी ईमानदारी के लिए. डिटर्मिनेशन मतलब उनके दृढ़ निश्चय के लिए. एंड पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के लिए. इन सब चीज़ों के लिए उनको जाना जाता है. मैनी इवेंट्स ऑफ द लाइफ शोज द पैट्रियोटिज्म. उनकी लाइफ के कई ऐसे किस्से हैं जिससे कि हमको ये पता चलता है कि वह देशभक्त थे. फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एट द पीक. स्वतंत्रता के लिए उस समय पे बहुत जोर से लड़ाई चल रही थी. बाबूजी वॉज इन जेल. बाबूजी कहाँ थे? जेल के अंदर. द न्यूज ऑफ हर डॉटर इलनेस. ये उनको बताया गया कि उनकी डॉटर क्या थी, वो बीमार है. वॉज वेरी वरीड फॉर हिम. वो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम फॉर ऑन पेरोल बट ही रिफ्यूज. जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उस समय पे, जब उनको ये जानकारी मिली कि उनकी जो लड़की है वो बहुत बीमार है, तो उनको उन्होंने कहा कि हम पेरोल पे आपको छोड़ देते हैं, बेल पे आपको छोड़ देते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया. हिज डॉटर वॉज डिप्रेस्ड टू सी डेस्परेट टू सी बाबूजी. अब उसकी जो डॉटर थी वो ये बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी कि मेरे पापा मुझसे आकर के मिलें. बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ नेशन. लेकिन उनके बाबूजी सेवा में थे, वो भी देश की. हिज कंट्री वॉज डियरर टू हिम देन हिज डॉटर. उनकी जो कंट्री थी, उनका जो देश है, वो उनको अपनी बेटी से ज़्यादा प्यारा था. बाबूजी वॉज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल. अब फिर दोबारा बाबूजी को क्या हुआ, क्योंकि वो बार बार स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे, दोबारा उनको जेल में डाला गया. दिस टाइम हिज सन फेल इल. इस बार उनका जो बेटा था वह बीमार हो गया. द ब्रिटिशर्स न्यू ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल. अब ब्रिटिशर्स को ये मालूम था कि वो कभी भी उनसे ये नहीं कहेंगे कि हमें बेल पे छोड़ दो. दे रिलीज हिम ऑन पेरोल. फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको बेल पे छोड़ दिया. व्हेन द पेरोल एंडेड हिज सन वॉज स्टिल वेरी इल. जब पेरोल पे उनको बेल पे छोड़ा गया, जब बेल उनकी ख़त्म हो गई, उसके बाद भी उनके बेटे की तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा ख़राब थी. हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री. और उनके जो बेटे के जो बॉडी टेम्परेचर था, बुखार, उसको 106 डिग्री पर चढ़ता था. द ब्रिटिशर्स आस्क्ड हिम टू चूज. अब ब्रिटिशर्स ने उसको चूज करने के लिए बोला, पसंद करने के लिए बोला. आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल, या तो तुम ये देश की आज़ादी के लिए लड़ना छोड़ दो, एंड लुक आफ्टर योर सन और बी इन जेल, या तुम अपने बच्चे को देखना, मतलब उसकी सेहत के बारे में मत देखो, या तुम जेल के अंदर रहो. बाबूजी किस्ड हिज सन फोरहेड एंड अप टू द जेल. अब उन्होंने क्या किया, बाबूजी ने अपने बच्चे के माथे पे किस किया और उसके बाद वह जेल के अंदर चले गए. द सन स्वेप्ट इंसिस्टेड बाबूजी स्टे विद हिम. उनका जो लड़का है वो बहुत रोया और उसने इंसिस्ट किया, उन पे जोर डाला कि पापा आप घर पे रहो, बाबूजी आप घर पे रहो. बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ नेशन. लेकिन बाबूजी
जो नौकरी कर रहे थे, जो सेवा कर रहे थे, वो देश की कर रहे थे। टियर रोल डाउन बाबूजीज चेक अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फिर बाबूजी के आंखों से आंसू निकले और गोल घूमते हुए उनके गाल से नीचे की तरफ गिर गए। द फेट वॉजंट इन सो हार्श दैट टाइम। बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। लेकिन उनका क्या था, फेट मतलब किस्मत, उनकी किस्मत इतनी ख़राब नहीं थी कि उनके बच्चे को कुछ हो जाए। थोड़े दिनों बाद उनका बच्चा ठीक हो गया। लेट बाद लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। लाल बहादुर शास्त्री जी फिर बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 1964 में। ही गेव अ बेनिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्वेशन ऑफ इंडिया इन 1965, आक्रमण करके 1965 में। हिज स्लोगन जय जवान जय किसान वर्क्ड वंडर ड्यूरिंग द वॉर। और लड़ाई के समय पे उनका एक स्लोगन खूब चला, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 11 जनवरी 1966। लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966 में हुआ एट तहखान में। ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ। उनकी मृत्यु होने के बाद उनको भारत रत्न दिया गया 1966 में। सेल्फ मेड मैन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। जो व्यक्ति खुद परिश्रम करके अपने को स्थान बनाता है, अपनी जगह बनाता है, उसकी हर कोई इज्जत करता है। यहाँ पर आपका ये लेसन खत्म हुए थे। द लेसन फिनिशेज ओवर हियर। ओके बाय।